गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4 ऑफ चैप्टर 3। नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी हैव फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 48। एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज द फैक्टर। फैक्टर वो होता है जो उसको डिवाइड करता है, वो एवरी नंबर दैट डिवाइड 20, दिस इज द फैक्टर ऑफ द 20। नाउ कॉमन मीन्स उन दोनों के अंदर जो कॉमन है एक जैसा है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वी हैव फाइंड द फैक्टर ऑफ 20, देन वी हैव फाइंड द फैक्टर ऑफ 40, देन फाइंड द कॉमन फैक्टर। तो एवरीबडी नोज दैट हाउ टू फाइंड फैक्टर ऑफ 20। फर्स्ट यू विल राइट फैक्टर ऑफ 20 इज, देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 इसका फैक्टर होगा क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। देन चेक फॉर 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 से नहीं हुआ, 7 से नहीं हुआ, डायरेक्टली किससे डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, और देन फिर ये 20 से डिवाइड होगा। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ 20। नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर ऑफ 48। 48 का 1 है, 2 भी है, इसका 3 भी फैक्टर है क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 है, 5 नहीं है, 6 भी है, एंड 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10, 11, 12 नहीं है इसके। देन इसका फैक्टर आपका 10, 20 इनमें से तो कोई है नहीं, तो आप इसको राइट कर सकते हो, इतने भी फैक्टर राइट कर सकते हो। और अगर राइट करना चाहो तो इसका 24 है, और 24 से पहले फैक्टर है 12 है, सॉरी 12 से पहले 8 है, 12 है, 16 है, एंड देन हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो 24 है, एंड कुड नॉट कॉमन फैक्टर दैट डिविजिबल फैक्टर ऑफ 48। 24 है, देन 48 है, एंड 1 है, दीज आर द फैक्टर ऑफ 48। अब क्वेश्चन दिया, सो लिव इट। देन वी हैव फाइंड द कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 48। तो 20 एंड 48 में जो कॉमन फैक्टर है वो आपका, देखो फर्स्ट 1 है, देन आपका 2 है, आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं, 1, 2, 3 नहीं है, देन 4 है, उससे नेक्स्ट आपका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। तो दीज आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 48। नाउ वी हैव फाइंड द सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन गिवन दैट 15, फैक्टर ऑफ 15। फर्स्ट यू विल राइट फैक्टर ऑफ 15। तो व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 15? 1, 2 नहीं है, 3, 5, एंड डायरेक्टली मे बी 15 है इसका फैक्टर। दीज आर द फैक्टर ऑफ 15। एंड नाउ फैक्टर ऑफ 25। 1 है, 5 है, एंड देन 25 है। तो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25, देखो 1 इज कॉमन एंड 5 इज कॉमन, तो 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25। नाउ यू विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12। सेम क्वेश्चन है बट इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 नंबर्स। फर्स्ट वी हैव फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, सॉरी, फैक्टर ऑफ 4। फैक्टर ऑफ 4 का 1 है, 2 है, एंड 4, दीज आर द फैक्टर ऑफ 4। देन वी हैव फाइंड द फैक्टर ऑफ 8, 1 है, 2 है, 4 है, एंड 8 है, देन फाइंड द कॉमन फैक्टर। आपको इसके कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 1 नंबर इज रिमेनिंग, देन फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर होंगे आपके 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, एंड 12 से डिवाइड हो रहा है। दीज आर द फैक्टर ऑफ 12। नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12। अब आपको तीनों चेक करने हैं, और तीनों के कॉमन फैक्टर देखो 1 तीनों में है। देखो एवरी 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो द 1 तो होगा ही। नेक्स्ट आपका 2, 2 भी है, एंड मुझे 4 दिखाई दे रहा है,
And these are the common factor of 4, 8 and 12. Same part B, in part B given that find the common factor of 5, 15 and 25. Now write the factor of first factor of 5. What are the factor of 5? 1 and 5. Then write the factor of 15. What are the factor of 15? 1, 3 and 5. Now write factor of 25. 1, 5 and 25. Then we have find the common factor of 5, 15 and 25. देखो, 1 is common and 5 is common. इसमें भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है. तो 1 और 5 common factor हो जाएंगे किसके? 5, 15 and 25 के. हमें चेक करने फॉर एवरी नंबर, डोंट लीव ए सिंगल नंबर, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. आप कोई भी नंबर के फैक्टर फाइंड करते हो तो एवरी ट्राई फॉर एवरी नंबर, डिवाइड करके जरूर चेक कर लेना. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट द फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. देखो, अब आपसे फैक्टर नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा है? मल्टीपल्स. और मैंने मल्टीपल्स के लिए बताया था हमें सिर्फ वो टेबल कंटिन्यू करना है अगर हमें 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं. अगर 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो 8 का टेबल कंटिन्यू करना है. देन वी हैव फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, बिकॉज लॉट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टेबल 6 एंड 8. सो यहाँ कंडीशन गिवन है कि हमें पहले 3 ही कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. तो पहले आप 6 के मल्टीपल्स बताओ. व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 6? तो मल्टीपल्स ऑफ 6, 6, 12, 18, 24, जहाँ तक आप राइट कर सकते हो एटलीस्ट 10 तक तो राइट करो ये 6 का टेबल. 30, 36, 42, 48, 54 and 60. देन राइट द टेबल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 and 64, 72 and 80. नाउ फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. अगर फर्स्ट 3 इसमें आ जाते हैं तो ओके, अगर फर्स्ट 3 इसमें नहीं आते हैं तो हमें इस टेबल को और कंटिन्यू करना पड़ेगा. हाउ टू कंटिन्यू? देखो, आगे अगर आपको नेक्स्ट निकालना है 11 जा, ये 10 जा होता है आपका 60, तो आप 11 जा निकालो तो इसमें प्लस 6 करके जाओ. देखो, 60 में प्लस 6 करोगे तो आपका 66 हो जाएगा. देन इसमें और 6 ऐड करोगे तो ये आपका 72 हो जाएगा. देन 6 ऐड करोगे तो 78 हो जाएगा. तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6. अगर आपके फर्स्ट 3 इसमें नहीं आते हैं तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट 3 मल्टीपल्स निकालने ही पड़ेंगे. नाउ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8. अब देखो, फर्स्ट मल्टीपल्स आपको 6 तो नहीं मिलेगा. 12 चेक करो, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 आपका कॉमन है तो राइट 24 से नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है 30 नहीं है, 36 नहीं, 42 नहीं, 48. नेक्स्ट आपको 48 मिल गया. अब आपको देखो ना 54 है ना 60 है, इट मीन्स हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ा. कंटिन्यू करने के बाद हमें 72 मिल गया और इसमें भी 72 है. तो अगर आपके फर्स्ट 3 मल्टीपल्स नहीं आते हैं तो फर्स्ट टेबल को 6 जो छोटी टेबल है उसको कंटिन्यू कर लो. प्लस 6 प्लस 6 ऐड करके अगर 8 को कंटिन्यू करना है तो प्लस 8 करके यू हैव फाइंड द नेक्स्ट नंबर. नाउ देयर आर 3 फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, 24, 48 एंड 72. This is part B of question number 3. In part B, given that 12 and 18, we have find the common multiples of 12 and 18. First, write the multiples of 12. 12 ki write karo table. What is the table of 12? 12, 24, 36, 70, 48, 60, 72, 84, 96, 108,
and 120. This is the table of 12 up to 10. And now write the table of 18. 18 का जो table होता है आप write करोगे 18. 18 to the 36, 54, 72 and next है आपका 90, 108 and 126, 144, 162 and 180. This is the table of 12 and 18. Now we have find the common multiple. Common multiple होता है इन दोनों में common. Common multiple of 12 and 18. अब चेक करो देखो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 36, सेकेंड कॉमन मल्टीपल 72 एंड थर्ड इज 108. नाउ व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल 36, 72 एंड 108. दिस इज द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दैट राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4. देखो अगर आप 3 के मल्टीपल राइट करोगे देन 4 के मल्टीपल राइट करोगे फिर लेस देन 100 देखोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा. अब हमें जो नंबर लेना, देखो दोनों का मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी, तो मैं यहाँ 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ. द वी विल चेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स. तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 आएगा. तो डायरेक्टली आप वो नंबर चेक करो जो 12 के मल्टीपल हैं, 12 के मल्टीपल्स और किस से लेस हैं, 100 से लेस हैं. तो यू विल राइट द table of 12. If you write the multiple of 3, then you will write the 4, then find again both of them. So first easy method is that we have find the multiples of 12. हम दोनों के product के multiples निकालते हैं. तो अभी भी हमने write किया था ऊपर 12 2 जा 24 होता है, 12 3 जा 36 and 12 48 60 एंड आपका क्या है 72. देखो अब आप इसको इंक्रीज करते जाओ 84, 96, फिर आपका 108 आएगा. बट हमें 108 नहीं लेना, यहाँ कंडीशन गिवन है कि लेस देन क्या लेना, आपको 100 लेना है. तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4. ये 3 और 4 दोनों के मल्टीपल हैं और लेस देन किससे हैं, 100 से. जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप उसमें दोनों को पहले क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई करने के बाद उसके मल्टीपल्स निकालो. तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100. दिस इज योर क्वेश्चन 4. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. नंबर 5, गिवन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम. पहले को प्राइम की डेफिनेशन ले लो. को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो क्या होता है, 1. अदर देन 1 अगर कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होते. विद द गिवन एग्जाम्पल, जो आपको क्वेश्चंस विद द गिवन क्वेश्चंस वी विल इजीली डिफाइन को प्राइम नंबर्स. नाउ फर्स्ट वी विल राइट द फैक्टर ऑफ 18. तो आपको फैक्टर राइट करने हैं, फैक्टर ऑफ 18, देन राइट द फैक्टर ऑफ 35. 18 के जो फैक्टर हैं आपके 1 है एंड आपका 2 है, 3 है, 6 है, 9 है एंड 18 है. 35 के जो फैक्टर हैं 1 है, 5 है, 7 है और शायद 35 ही होगा. तो देर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर आपका क्या है, 1 है. कॉमन फैक्टर इज ओनली 1. तो दीज टू नंबर्स आर को प्राइम. ये आपके क्या हैं, को प्राइम हैं. अगर अदर देन 1 कोई भी फैक्टर आ जाए तो को प्राइम नहीं होंगे. सिमिलरली वी हैव फाइंड द फैक्टर ऑफ 15. फैक्टर ऑफ 15 है 1, 3, 5 एंड 15. एंड फैक्टर ऑफ 37, 1 एंड 37. देयर इज ओनली 1 क्योंकि 37 प्राइम नंबर है. तो आप अगर कॉमन फैक्टर निकालोगे, कॉमन फैक्टर ओनली 1, तो दिस इज ऑल्सो को प्राइम नंबर. सिमिलरली वी हैव फाइंड द पार्ट सी एंड डी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाई विच अदर नंबर विल दैट द नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल. देखो डिविजिबल मीन्स वो ये गिवन है, जो आपको भी गिवन है, ये क्या है, फैक्टर हैं. अगर ये फैक्टर हैं तो किसके हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करके दिखाओ. तो ये फैक्टर हैं किसके, फैक्टर हैं ये 5 फैक्टर्स, 5 एंड 12 किसके फैक्टर हैं, 60 के, क्योंकि 5 एंड 12 को मल्टीप्लाई करो तो 60 आता है. और 65 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हुआ है.
और ये कह रहे हैं कि विच अदर नंबर विल दैट द नंबर ऑलवेज डिविजिबल। अब आप चेक करो, अगर कोई किसी नंबर का फैक्टर होता है, 60 का फैक्टर मैंने लिख दिया 5 × 12, तो 60 ÷ 5 ऑफकोर्स अगर वो फैक्टर है तो वो उसका डिविजिबल होगा। हम डिविजिबिलिटी तो चेक करते हैं, एंड 60 ÷ 5 यस एंड यस, तो विच नंबर, द नंबर इज 60। देन क्वेश्चन नंबर 7, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। देखो डिविजिबल बाय 12 है तो आप इसके फैक्टर निकाल दो, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 12, उनसे सबसे ये डिवाइड होगा। तो फैक्टर ऑफ 12 क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड 6 एंड 12। तो अब चेक कर लो इन सब से ये डिवाइड हो रहा होगा। तो अब इसने पूछा है व्हाट आर द अदर नंबर विल दैट नंबर डिविजिबल, द 12 इज डिविजिबल ऑफ 7। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आई होप यू विल डू दिस एक्सरसाइज विद द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।